कटवा देना तो इट्स अ ग्रेट ऑनर एक्चुअली. जिन लोग जिनके जिनको मैं सुन के बड़ा हुआ हूँ जब से वो जाना जाना सुना है तब से मैं बहुत छोटा था तो तब से बड़े होना और वहाँ से फिर मुन्नी बदनाम एंड एवरीथिंग सो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू हैव साजिद सर हियर. ओके आखिरी सवाल साजिद आपसे क्या राय देना चाहेंगे एज एन एज एन एज एन यू नो इंडिविजुअल की किन बातों का ध्यान रखें सर टू बी इन द बिजनेस. एक्चुअली ये सॉन्ग का आप कर लो अभी तो खैर माहौल अजब अलग है थोड़ा सा बट ये सॉन्ग का कर लो उसके बाद यू शुड कम एंड विजिट मी. आई थिंक दिस विल बी माई एडवाइस यू शुड कम एंड विजिट मी प्रैक्टिस विद अस यू नो बी इन द सर्कल बी विद द म्यूजिक बी विद द म्यूजिशियंस एंड इसी तरीके से आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी. और आपने पहला ही काम इतना अच्छा किया है तो आने वाले वक्तों के अंदर वी आर देयर टू हेल्प यू यू नो साजिद भाई इज ऑलवेज बीन देयर टू हेल्प द जनरेशन पीपल एंड हूएवर दे नीड्स अस वी आर देयर टू हेल्प देम एंड आई थिंक ही विल डेफिनेटली डू वेरी वेल. थैंक यू सो मच. इट्स एन अमेजिंग फीलिंग यू नो. आप कोई भी आर्टिस्ट से अगर ये सेम सवाल पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि दिस इज़ द लाइक एंड फीलिंग जहाँ पे आपको फील होता है कि आप सेवेंथ स्काई में हो. दिस इज़ अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी. लाइक आई एम रियली सैड मैं जब पैदा नहीं हुआ था तब से वो काम कर रही हैं. वो बहुत ही बड़ी लेजेंड है मेरी नज़र में या किसी की भी नज़र में. सो किसी को भी खोना इट्स रियली सैड मोमेंट फॉर मी. इस पूरी एल्बम का जन्म कैसे हुआ है नो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि आपने सोचा और ऑन बोर्ड आ गए हाउ दिस होल थिंग हैपेंड. एक्चुअली मैं इनके डैडी मुझे पहले मिले थे और बोल रहे थे कि मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं ये जब मेरे से पहली बार मिला तो मुझे लगा कि वाकई में इसमें टैलेंट है उसको कुछ करना चाहिए. वो मुझे मिलने के लिए इसलिए आए थे कि वो बोल रहे थे कि मैं क्या पैसा वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ. लेकिन जब मैंने इसकी आवाज़ सुनी और इसका कंपोजिशन सुना तो मुझे अच्छा लगा तो मैं बोला कि इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं. मैंने सब मेरे जो इंडस्ट्री में जितने भी पहचान वाले अच्छे लोग हैं उनसे मैंने बात की अच्छा अरेंजमेंट करवाया और इसने भी बहुत मेहनत की गाना गाने के लिए बहुत मेहनत की. तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो भी आउटपुट जो मुझे मिला है मेरी हम सब की मेहनत रंग लाई है और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं बहुत खुशी हुई. ओके अनिल जी ये कितनी गौरव की बात है somebody caliber of Mr. Sajid देना इज हियर टू लॉन्च इट और वो कहते हैं स्टेज पे कि मैं अनिल की वजह से आया हूँ. कितना हौसला बढ़ता है एक आर्टिस्ट और वो भी इन हालात में आपको पता है कि इन हालात में इंडस्ट्री जूझ रही है. करेक्ट नहीं बिल्कुल सही बोलते हैं और साजिद भाई एक्चुअली बहुत अच्छे इंसान हैं और मैंने उनको एक बार कहा कि मैं इस बच्चे को ज़रा सपोर्ट करना चाहता हूँ तो एक पल के लिए भी मुझे उन्होंने मना नहीं किया और यहाँ पर लॉन्च में आ गए. मैं माशाल्लाह उनके काफ़ी काम कर रहा हूँ उनके काफ़ी मूवीज़ के मैं काम कर रहा हूँ. अभी हालिया उनकी मूवी आई थी वेलकम टू न्यूयॉर्क उसका पैंट में गाना जो गाना मैंने किया था मिक्स तो ऐसे ही मैं उनके काफ़ी काम कर रहा हूँ. आने वाली कुछ भी और भी मूवीज़ है जिनके मैं गाने मिक्स कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं उन्होंने इतने मुझे सम्मान दिया खुशी की बात है. ओके असद कितनी सही शुरुआत मानते हैं आप यू नो साजिद वाजिद अपने आप में एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी और इन हालात जिन हालात से इंडस्ट्री जुड़ रही है उसके बावजूद जो आए और ना आपको सपोर्ट. वेल वो सबसे पहली बात तो ये कि वो यहाँ पे आए वही बहुत बड़ी बात है और जिन हालात में वो यहाँ पर आए हैं दैट इज़ रियली सैड बिकॉज एक लेजेंड को जिनको हमने बचपन से देखा है बड़े होते हुए मैं तो शायद पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम पर जब वो काम कर रहे थे तो वो मेरे लिए तो ऑलरेडी लेजेंड है. तो उनको जिन पूरी इंडस्ट्री ने खोया और उस टाइम पे वो मेरे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए सो दैट इज़ अ रियली बिग ऑनर फॉर मी एंड आई एम हैप्पी एंड सैड एट द सेम मोमेंट कि हमको इस टाइम पर वो चीज़ करनी पड़ रही है जब पूरी इंडस्ट्री तुक के माहौल के अंदर. ओके वुड यू बी इंटरेस्टेड डेडिकेटिंग और गिविंग अ ट्रिब्यूट टू श्री जी थ्रू योर वेरी फर्स्ट. या ऑफ कोर्स मेरा सॉन्ग थोड़ा सा फंकी है सो दैट इज़ नॉट लाइक गुड फॉर दैट बट या ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू सिंग समथिंग फॉर
if I could. I don't mind doing that. Okay, Asad, kya dhyan mein rakha hai album pe kaam karte waqt? Music ki baat ho ya usko picturize karne ki baat ho? Actually, ye pura song ek basic concept ke upar tha. That is love at first sight. So, ye gana jab maine likha tha. So, this song had just one imagination in my mind. Ki ek ladki ko dekh ke aur pura song uske upar bana hai. So like the car and the song, वो दोनों चीज़ें कार और लड़की के ऊपर हैं. सो एक यूथ के माइंड में जो दो चीज़ें होती है वो होती है या तो कार या तो लड़की. सो वो दोनों चीज़ें सॉन्ग के अंदर हैं. एंड दैट इज़ कि दोनों चीज़ के अंदर वो प्यार बता रहा है. इट्स नॉट कि आप एक ही चीज़ के पीछे रहते हैं. इट्स लाइक आप दोनों चीज़ के बारे में अपना प्यार इजहार कर रहे हैं. सो दैट इज़ द सॉन्ग. ओके हनीफ, क्या कहना चाहेंगे, क्या खास है असद में? जैसे असद ने कहा वो नफ समझते हैं यूथ की, नो कि किसी यंगस्टर के सर में लड़की या कार. आजकल क्या है, यंग जनरेशन बहुत एडवांस हो गई है तो उनको सब पता है कि नफ्स कहाँ पकड़ना है. तो ऑडियंस की नफ पकड़ ली है इसने कि कार और वही है. तो बिल्कुल सही बोल रहा है. और हम इनकी पॉज से पकड़ से दूर नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि अभी जो यंग जनरेशन का जो टैलेंट है वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है. हम लोग थे तो इतनी समझ भी नहीं थी जब हम छोटे थे. अब की यंग जनरेशन है, उनकी समझ बहुत ब्रॉड हो गई है और सोच अलग हो गई है. और हम लोग चाहेंगे कि इनको हम प्रोत्साहन दें और इनको आगे बढ़ाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.